हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड आई होप ऑल यू विल बी गुड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में या उन मुश्किलात के बारे में, उन मामलात के बारे में जो कोरोना पैंडमिक की वजह से शुरू हुए। सबसे जो मेन है, सेहत के बाद जो है वो सबसे बड़ा लॉस जो है वो तो हो रहा है इकॉनमी की वजह से, और जिसकी वजह से आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस कोरोना पैंडमिक की वजह से बंद हैं, कारोबार जो हैं वो ज़ीरो पे आ चुके हैं। इवन के बिजनेसमैन जो हैं अब वो भी काम ख़त्म करके वापस अपने मुल्कों को जा रहे हैं। बहुत भारी तादाद में लोग जो हैं सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि एयरपोर्ट ओपन हो, फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो और अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। और ये नंबर जो हैं थाउजेंड्स में नहीं बल्कि लाखों में जाने वाले हैं आने वाले दिनों में। सो इंशाल्लाह, खैर हम बात करेंगे ओमान में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, स्पेशली मई और जून का महीना भी चल रहा है, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं जो पब्लिक अथॉरिटीज डिपार्टमेंट हैं, मैन पावर, बाकी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उनको बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी उनको विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी नोटिस उनको टर्मिनेट किया जा रहा है उनकी जॉब से, उनको विदाउट पे जो है काम पे बुलाया जा रहा है, या फोर्सफुली जो है उनको कहा जा रहा है कि जी आप घर पर बैठे हैं, काम नहीं है, या उनको सैलरी जो है वो कम की जा रही है। यानी ज़्यादा कंप्लेंस ये हैं कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है उनकी सर्विस से, या सैलरी डिडक्ट जो है वो की जा रही, हालांकि वो काम पे जा रहे हैं, वो अपना काम जो है 100% दे रहे हैं, लेकिन सैलरी जो है डिडक्ट की जा रही है। जबकि सुप्रीम कमेटी ने कहा था कि उन्होंने एक मैकेनिज्म बना के दिया था तमाम इदारों को कि इसके उनको फॉलो करते हुए, जो हदायत दी गई थी उनको फॉलो करते हुए जो है वो सैलरी का जो डिटेक्ट होगी कितनी होगी, कैसे होगी, उसके बाद पे भी करने की जाएगी, एनुअल लीव्स जो हैं वो उनका क्या होगा, एनुअल लीव्स जो का स्पेशली कहा गया था कि वो फुल पे की जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर कंप्लेंट यही है कि एनुअल लीव्स के भी पूरे पैसे नहीं दिए गए, छुट्टियाँ काट ली गई, माइनस कर दी गई छुट्टियों में से जब से लॉकडाउन हुआ था, लेकिन वो पे जो है वो पूरी नहीं दी गई, उसमें भी से भी जो है डिटेक्ट किया गया पैसा। सो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है, सभी को पता है कि बहुत बुरे हालात हैं, स्पेशली एक्सपैट्स के, खारजियों के, जो जो लोग डेली वेजेस पर काम करते थे, इवन के बहुत सारे लोग ने जो मंथली अपने स्पॉन्सर को जो है पैसे भी देते थे। इसके अलावा भी बिज़नेस जो है आपको पता है जब से लॉकडाउन बंद है, हर चीज़ बंद है, मार्केट बंद है, तो बिज़नेस भी नहीं होगा, जब बिज़नेस नहीं होगा तो पैसे नहीं होगा, पैसे नहीं होगा तो परेशानियाँ बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ने के बाद बहुत सारे क्राइम जो हैं वो भी बढ़ गए। मैंने कुछ देर पहले अपनी दूसरी न्यूज़ में बताया था कि एक जगह पर रेड किया गया, वहाँ पर इलीगल जो एक्टिविटीज़ एक्सपैक्ट कर रहे थे उनको जो पकड़ा गया। इस तरह आए दिन चोरी शिकारी की इस तरह की वारदातें भी बढ़ रही हैं ओमान में, हालांकि ओमान बहुत ही सेफ कंट्री है। सो इन सब के अगेंस्ट जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को विदाउट नोटिस जो है, उनकी सैलरीज नहीं दी जा रही, सेटलमेंट कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए इस परेशानी के आलम में? हमें साबित कदम रहना चाहिए, और सिर्फ एक ही वर्ड मैं कहूँगा आप सब दोस्तों से, उन तमाम लोगों से जो किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, कि इंशाल्लाह खैर, दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब की खैर करे। सिर्फ अपने लिए नहीं मांगे दुआ, सबके लिए दुआ मांगे, दुआ मांगने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप हाथ खोल के, दिल खोल के दुआ मांगें और जितना मांग सकते हैं अल्लाह ताला से मांगें, इंशाल्लाह खैर। अगर यहाँ आज मुश्किल में है, कल हमें खुशियाँ भी मिलेंगी। हर मुश्किल के बाद जो है आसानी है, हर जीत के बाद हार भी आती है और हार के बाद जीत है। सो अप्स एंड डाउन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, इंशाल्लाह खैर, वी विल डू आवर बेस्ट, कोशिश करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस जल्द इस वबा को ख़त्म करे और मुश्किल से निकाले। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस मत हों जो आपको चंद पैसों की खातिर बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दे। सो अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने जीजों का रब, अपने अहबाब का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं उसकी बिना पर, एक्सपैट्स कहा जाता है ये एक्सपैट्स ने ये किया, एक्सपैट्स ने यो किया। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच आर इलीगल एंड विच आर नॉट यू नो गुड फॉर एनीवन। किसी भी ऐसे काम में मुलव्वस मत हूँ जो किसी भी शख्स को तकलीफ का बायस बने या कोई इलीगल हो, गैर कानूनी हो। किसी एक के गलत काम करने से बाकी सबको भी जो है, बल्कि पूरे मुल्क की इमेज जो है उसको ख़राब होती है। सो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की मुश्किलात दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।